इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें बड़ी खबर देहरादून से है, जहां बोर्डिंग स्कूल में गैंगरेप का मामला सामने आया है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपी छात्र सरबजीत को 20 साल की सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से आ रही है, जहां बोर्डिंग स्कूल में गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपी का नाम सरबजीत बताया जा रहा है, जिसे 20 साल की सजा सुनाई गई है। स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर भी दोषी करार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्कूल डायरेक्टर समेत 4 को 9 साल की सजा, 5 दोषियों को 9-9 साल की सजा सुनाई गई है। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ सौरभ भाटी हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे कि बोर्डिंग स्कूल से गैंगरेप का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, इनमें जो है सभी को सजा सुना दी गई है। आरोपी जो सरबजीत है, उसे जो है 376D सामूहिक दुष्कर्म का दोषी पाकर पोक्सो ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जो स्कूल की निदेशक रीता गुप्ता, प्रिंसिपल जितेंद्र शर्मा और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दीपक, उसकी पत्नी तनु को भी अलग अलग धाराओं में पोक्सो की 9-9 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही इन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जी पूजा जी, तो ये घटना कब की बताई जा रही है सौरभ? ये साल 2018 की घटना थी, जब जो है ये पूरा मामला सामने आया था। उसके बाद जो काफी विवाद भी हो रहा था, और ये जरूर बताया जा रहा था कि पुलिस एक बड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी जब कार्रवाई नहीं हुई थी, उसके बाद जो है आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया और पोक्सो में जो है ये मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद जो है कोर्ट में बहुत लंबा ट्रायल चला और आज जो है इन दोषियों को सजा सुनाई गई है। जी जी, मतलब ये साफ समझा जा सकता है कि बहुत पुराना मामला है ये, पर आज इसमें सजा सुनाई गई है। तो आरोपियों को किस 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 प्रकार से और किन किन धाराओं में सजा सुनाई गई है, हम चाहते हैं विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, आरोपी छात्र जो सरबजीत है, उसे 376D सामूहिक दुष्कर्म में जो है पोक्सो का दोषी पाया, जिसको 20 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही जो स्कूल की निदेशक रही है लता गुप्ता, प्रिंसिपल जितेंद्र शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दीपक व उनकी पत्नी तनु को अलग अलग धाराओं में पोक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 9-9 साल की सजा सुनाई है। स्कूल प्रबंधन को साक्ष्य छुपाने और षड्यंत्र और गर्भपात कराने का भी दोषी पाया गया। इसके साथ ही इनको जो है 10 लाख रुपए की जुर्माना भी लगाया गया है। जी, तो सौरभ, स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल पर भी किसी भी प्रकार का आरोप लगा था पहले क्या? जी बिल्कुल, इनको जो है साक्ष्य छुपाने और जो नाबालिग छात्रा का गर्भपात कराने का इन पर जो आरोप लगे थे, जो पुलिस ने जांच में सही पाए और उसके बाद जो है इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। हालांकि पुलिस ने पहले ही इन लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जो है इन्होंने हाईकोर्ट तक जो है गुहार लगाई थी, लेकिन जो मामला क्योंकि ट्रायल में था तो लिहाजा जो है इनकी अरेस्टिंग पहले ही हो गई, जो है इनको सजा भी सुना दी गई है। जी जी, तो सौरभ, इस मामले में दोषी कौन था और दोषी ने इस नापाक हरकत को कैसे स्कूल के अंदर कैसे अंजाम दिया? देखिए, पहले भी जो है इस पूरी बात पर सवाल उठते रहे कि आखिरकार जो है स्कूल में इतना बड़ा कांड हो जाता है, उसके बाद जो है लंबे समय तक ये मामला दबाने का प्रयास किया जाता है। जब जो पूरे मामले का खुलासा हुआ तो बड़े जो अधिकारी थे, चाहे वो शिक्षा विभाग के थे, पुलिस के बड़े अधिकारी थे, और यहाँ तक कि जो खुफिया महकमा भी था, कि उन्होंने भी इस चीज को गंभीरता से लिया। उन्होंने देखा कि आखिरकार इतना बड़ा मामला हो जाने के बाद ये अस्पताल में ले जाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में ले जाते हैं, वहाँ नाबालिग का गर्भपात करवा देते हैं, आखिरकार ये साक्ष्य छुपाए गए। अगर ये पहले ही जो ये तमाम मामला दिखाकर जो इस पर कार्रवाई हो जाती तो शायद जो है इस पूरे मामले में इनकी जो है कोई गतिविधि संलिप्त नहीं होती, लेकिन जो इन्होंने पूरा मामला क्योंकि इंस्टीट्यूट को जी बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।